है कि है ए चुई साहब चूहा मर गया। हाँ जी पल्लो ना बेली मर पल्लो तेरा यार मर गया पल्ला तो कहंदे जिन्ना ने मार मार तेरी क्या ही बात है छली खाना मैं तो छली खाना तेरे नाल कोई रल ही नहीं सकता तेरियां रिसे नहीं आ जल्दी अनस का काम स्टार्ट है। पहले बोरा शुएब ने भर लिया अनस से जो है ना बोरा नहीं भरा जा रहा बहुत स्पीड मार रहा है वो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह सुबह का टाइम है 8:30 बजे है तो मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा है कि धुंध जो है बहुत ज़्यादा जो पड़ी हुई है आज। तो ये देखें मैं आपको सबसे पहले तो धुंध दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा जो है ना धुंध है। तो सर्दी जो है ना वो नहीं इतनी लग रही। आप लोग देखें मैंने कोई चीज़ भी नहीं है जो पहनी हुई है, चादर वगैरह कुछ भी नहीं ली हुई। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन धुंध जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना धुंध उतर आई है। ये देखें कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। ये देखें चारों तरफ जो है ना धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। ये देखें माशाल्लाह। तो गर्मी जो है ना वो अलविदा कर गई है और सर्दी जो है वो आ गई है। सर्दियों का मौसम जो है वो अब आ चुका है। हर बंदे ने चादरें निकाल लेनी है। अभी तो अभी जो है हम लोग थोड़ा वॉक करेंगे तो उसके बाद जो है फिर घर की तरफ जाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। तो अभी वॉक करते हैं। आज तो वॉक करने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि धुंध जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो शबनम जो है ना वो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। जूता हम लोगों ने निकाल लिया है तो अभी अपनी वॉक शुरू करते हैं। तो ये देखें शबनम जो है बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी तो बहुत ज़्यादा जो है शबनम है। तो अभी अपना वॉक जो है स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने कभी विलेज में वॉक किया है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या लेवल का वॉक होता है विलेज के अंदर। बहुत ही मज़ा आता है विलेज में वॉक करने का। तो आपने ज़रूर बताना है अगर आपने विलेज के अंदर वॉक किया है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ जो विलेज के अंदर पाई जाती है। ये देखें ये जो है भैंसों का गोबर है तो लोग जो हैं इसे बाहर गिरा जाते हैं। तो जो विलेज के अंदर ख़वातीनें हैं वो इसे हाथ के साथ जो है बनाती हैं। तो इसको हम लोग अपनी ज़ुबान में पाथियाँ बोलते हैं। इधर भी देखें बहुत ज़्यादा जो है पाथियाँ पाथियाँ हैं। तो इसके बाद जो है इधर भी देखें बहुत ज़्यादा लाइन में लगी हुई हैं। ये देखें ये विलेज के अंदर आग जलाने के लिए काम आती हैं तो खाना वगैरह बनता है इसके साथ। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सर्दियों में गैस चला जाता है तो इसकी मदद से जो है खाना बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा रेडी है, अंडा और परांठा। तो नाश्ता वगैरह करके तो फिर जो है ना मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता वगैरह कर लिया है, अभी हवेली पे आए हैं। भैंसों को देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इनकी। आज तो हम लोगों ने अंदर जो है इनको बांध दिया। बाहर जो है काफ़ी धुंध थी आपने देखा है तो इन्हें सर्दी ना लग जाए। ये देखें ये माशाल्लाह देखें दो भैंसें हमारे पास अभी रह गई हैं, बाकी दो जो है वो सेल हो गई हैं। ये इनके जो बच्चे हैं ये देखें माशाल्लाह। और मुर्गियाँ हमारी हवेली पे आपको देखने को मिली जाती हैं हर ब्लॉक के अंदर, बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ जो है होती हैं। आज हम लोगों ने एक और काम करना है जो बहुत ही ज़रूरी है। भैंसों के लिए हम लोगों ने तूड़ी ख़रीदी थी बाहर से तो उसको हम लोगों ने हवेली पे जो है ना डाल दिया एक कमरे के अंदर। रेडी पे हम लोग लोड करके ले गए थे, शुएब और अनस जो है वो लेकर गए थे। तो अभी जो थोड़ी बहुत इधर बची है उनको हम लोग पल्लियों के अंदर बांध के बोरों के अंदर तो उसे बंद करके इधर रख देंगे। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जितनी हमें चाहिए थी उतनी हम लोग ले आए हैं। तो अभी जो है ना हम लोग आए हैं इधर, जितनी हमारी तूड़ी इधर बची पड़ी हुई है उसे हम लोग बोरों के अंदर डालेंगे तो उसे इधर ही बंद करके रख देंगे। तो शुएब और अनस जो है ये देखें पल्लिए और बोरे लेकर आ गए हैं तो उनके अंदर डाल के हम लोग तूड़ी को तो इधर ही रख देंगे। तो अभी चलते हैं तूड़ी को डालते हैं अंदर।
ये देखें माशाल्लाह धुंध जो है ना उतरी हुई है चारों तरफ। खेतों की सिचुएशन चेक करें। ये चाचा जी हैं साग तोड़ रहे हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं मेरे हाथ के सामने। तो अभी जो स्टाले के अंदर जो है ना और कनक के अंदर साग जो है ना बहुत ज़्यादा होगा, तो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा साग उतार के ले जाएंगे इधर से। ये देखिए धुंध जो है ना थोड़ी कम हो गई है पहले से, तो अभी हम लोग तूड़ी डालेंगे बोरों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी शुएब ने काम स्टार्ट कर दिया, बोरों के अंदर जो है तूड़ी को डाल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। जी की है चूही साहब चूहा मर गया जी। पलो तेरा यार मर गया पला दो कम हो गए। किन्ने बोरे लिया ये दस लिया ए तूड़ी रह गई है अनस का काम स्टार्ट है। पहले बोरा शुएब ने भर लिया, अनस से जो है ना बोरा नहीं भरा जा रहा, बहुत स्पीड मार रहा है वो देखें। ये जो है तूड़ी हमारी रह चुकी है थोड़ी थे, तो ये पूरा जो है ना कमरा तूड़ी से भरा हुआ था, ये सारी शुएब ने निकाल ली है यहाँ से। तेरी क्या ही बात है, तेरे नाल कोई रल ही नहीं सकता, तेरिया रिस ही नहीं है। जल्दी करो जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोगों ने जो स्टाला कास्ट किया था पहले दो कनालें वो काफ़ी बड़ा हो गया, उसको हमने हाथ लगा लिया। भैंसों के लिए एक पांड जो है आज हम लोग काट कर ले कर गए हैं, तो बहुत ही कमाल का स्टाला हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो दो कनालें पहले हम लोगों ने कास्ट की थी वो काफ़ी बड़ा हो गया, वो भैंसों को डालने के काबिल हो गया। तो अभी जो हम लोगों ने दो कनालें कास्ट की हैं वो अभी छोटा है, वो बड़ा नहीं हुआ, वो भी बड़ा होगा तो उसको भी हाथ लगाएंगे। पहले जो हम लोगों ने दो कनालें कास्ट की थी उसको हमने हाथ लगा लिया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी क्या सिचुएशन है, कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें स्टाला हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें इतनी जगह से हम लोगों ने जो है ना स्टाला आज हम लोगों ने कटाई किया है। ये देखें इतनी ये जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है यहाँ से हम लोगों ने स्टाला जो है ना कटाई किया है आज। तो ये देखें कितना माशाल्लाह प्यारा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। इतनी जल्दी जो है ना स्टाला, बहुत बंदे हम लोग गांव में कह रहे हैं कि कोई स्टाला हम लोगों ने कद करता नहीं देखा जितनी जल्दी आप लोगों का स्टाला कद करते देखा है, क्योंकि हम लोगों ने खुराक बहुत डाली है इसको, खाद दवाइयाँ पानी टाइम पे मिला है इसको, तो इसकी वजह से बहुत कमाल का स्टाला हुआ है हमारा। आप लोग देख रहे हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जब हम लोगों ने कास्ट किया था, तो मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ साथ, आप लोग देखें कि कितनी हम लोगों ने मेहनत करके इसको कास्ट किया था। हमारा जो ट्यूबवेल ख़राब हो गया था तो उसके बाद जो है हमारी मेहनत का फल ये है, तो बहुत ही कमाल का स्टाला हुआ है, दिल खुश कर दिया, हमारी मेहनत का जो है ना फल मिल गया हमें। तो वो दो कनालें आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें इनमें अभी कास्ट किया है, ये अभी जो है ना उसके पत्ते निकल आए हैं मैंने अभी देखे हैं, तो वो भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। उस पे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, आपने देखा था शुएब जो है कई को लेकर कैसे खुदाई कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत की है, वो भी ऐसे ही होगा। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल का हुआ है। तो अभी मैं जाता हूँ शुएब के पास, वो देखते हैं कि तूड़ी जो है कितनी उन लोगों ने बोरों के अंदर डाल दी है, तो वो काम ख़त्म करते हैं। इनू पिछे कर दिया ना सू उत्ते डिग पैनी आ, किन्ने बोरे बने ने छे, दो तीन होर बन जाने ने, काम खत्म।
सारी जो तूड़ी है ना बोरों के अंदर शुएब ने भर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बोरों के अंदर तूड़ी को जो भर दिया, भर के बोरों को उधर ही रख देंगे, हवेली पे नहीं लेकर आएंगे। हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि तूड़ी को उधर रखें, जितनी जगह थी उतनी ले गए थे कल। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।